अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर सुजानपुर की ओर से नगर मंत्री रोशन मिश्रा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य तौर पर नगर उपाध्यक्ष प्रवीण डोगरा उपस्थित हुए। प्रेस वार्ता में एससी स्कॉलरशिप को लेकर हुए घोटाले के बारे में बात की गई। रोशन मिश्रा ने बताया कि जिस स्कॉलरशिप का फायदा इस घोटाले से पहले 3.5 लाख विद्यार्थी उठाते थे, आज इस घोटाले के बाद केवल 1.5 लाख विद्यार्थी ही लाभ ले पा रहे हैं। इस घोटाले की जांच में कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत का नाम सामने आया है। ये घोटाला 64 करोड़ का है, जिसमें से 39 करोड़ की रकम का पंजाब सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने इस मामले पर सरकार द्वारा उचित कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर सुजानपुर की ओर से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उसका मेन मकसद आपको ये बताना है कि पंजाब सरकार के एक मंत्री के द्वारा एससी एसटी स्कॉलरशिप में जो घोटाला किया गया है उस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब की ओर से उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा विद्यार्थियों के हितों में ही काम करता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए उनसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब की ओर से इस्तीफा मांगा गया है। बाकी इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक हमारे नगर मंत्री रोशन मिश्रा जी बताएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर सुजानपुर की ओर से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जैसा कि नगर उपाध्यक्ष जी ने प्रवीण डोगरा जी ने आपको बताया कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप सबको मीडिया के थ्रू विद्यार्थियों को बताना है कि एससी स्कॉलरशिप में जो बहुत बड़ा एक घोटाला हमारे सामने आया है, 64 करोड़ का ये जो घोटाला हमारे सामने आया है, ये स्कैम जो है इसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद काफ़ी समय से पंजाब सरकार के ऊपर प्रताड़ित कर रही थी और बोल रही थी कि इसका जो है वो हिसाब विद्यार्थियों को सामने लाना चाहिए। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप था वो, इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 3.5 लाख विद्यार्थी जो है वो इसका फायदा लेता था पहले, लेकिन इस स्कैम के बाद, घोटाला के बाद, केवल सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख जो विद्यार्थी है इसका फायदा ले पा रहा है। और इसमें जो सामने आया है वो कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के साधु सिंह धर्मसोत जो है उनका नाम सामने आया है, और ये जो है 64 करोड़ का घोटाला में इनका सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा है। कांग्रेस में इनका जो हाथ है वो इसके ऊपर विद्यार्थी परिषद इनसे जवाब मांग रही थी। 64 करोड़ के घोटाले में 39 करोड़ ऐसा एक रकम है जिसका कैबिनेट मंत्री जी के पास कोई भी जवाब नहीं है। पंजाब सरकार के पास 39 करोड़ का कोई भी जवाब नहीं है। विद्यार्थी परिषद जो है इसके ऊपर जवाब मांगने जाता है तो इनको कोई भी जवाब इनके पास है ही नहीं। उसके बाद सेंटर की ओर से मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि स्कॉलरशिप के तहत सेंटर की ओर से 303 करोड़ जो है वो भेजा गया, जिसमें से आपको बताऊं कि काफ़ी रकम जो है वो निजी संस्थानों को दे दी गई थी। काफ़ी रकम ऐसे निजी संस्थानों को दी गई जिन पे अभी भी केस चल रहे हैं। और 64 करोड़ का ये जो घोटाला है इस पर आज तक कोई भी जो जवाब नहीं मिलता है। विद्यार्थी परिषद की ओर से बार बार इस पर बोला जाता है तो एक हफ्ते तक कोई टीम गठित नहीं की जाती। जब टीम गठित की जाती है तो जनरल चीफ सेक्रेटरी जो है वो सरोज जी, हमारे जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सरोज जी के, जब उन्होंने ये जांच पूरी की तो उनका तबादला कर दिया जाता है। बाद में इसके ऊपर जब पूछा जाता है तो अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं। विद्यार्थी परिषद केवल और केवल जो मंत्री साहब हैं उनका इस्तीफा चाहती है, क्योंकि ये जो घोटाला है बहुत बड़ा है। इससे कहीं ना कहीं हमारे जो दलित भाई हैं, जो विद्यार्थी हैं दलित, उनको कहीं ना कहीं पढ़ाई में जो है वो समस्या आ रही है। ये जो सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी रकम आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे स्टेट में पहुंचते पहुंचते ये बहुत ही कम रह जाती है। इसलिए इस पे जो जवाब चाहती है विद्यार्थी परिषद। और एक बात बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, कहीं ना कहीं अपनी मिली भगत को छुपाने के लिए पंजाब सरकार ने क्या किया कि एक जो टीम बनती है उसकी जाँच करवाने के बाद थोड़े ही दिनों में जो हमारे मंत्री साहब हैं धर्मसोत जी, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। लेकिन इसके ऊपर कोई भी जो बड़ी बात है वो सामने नहीं आई है, जो इसके ऊपर आज तक उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। विद्यार्थी परिषद आप सबको बताना चाहता है कि विद्यार्थी परिषद हमेशा पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो विद्यार्थी परिषद अपने विद्यार्थियों के हित के लिए हमेशा कार्य करती रहती है। और कौन से जांच की मांग करते हैं? देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि ये स्कॉलरशिप, ऐसी स्कॉलरशिप की जांच हुई है, इसमें पंजाब सरकार एक जांच की टीम जो गठित हुई थी उसका जो एक रिपोर्ट आई थी वो सामने लाई जाए, जनता के सामने लाई जाए। मैंने जैसे पहले बताया कि 39 करोड़ का जो घोटाला हुआ इसका जवाब ही नहीं है पंजाब सरकार के पास, तो वो चीज़ सामने लाई जाए कि वो पैसे कहाँ गए, वो जो एक रकम, इतनी बड़ी रकम है, करोड़ों की रकम है, वो कहाँ गई।
जो मैं आप सबको यही बता रहा हूं कि विद्यार्थी परिषद जो है वो हितों में कार्य करती है, और कहीं ना कहीं अगर इस पे कोई जवाब नहीं आता है पंजाब सरकार की ओर से, मंत्री साहब का कोई भी जवाब नहीं आता है, अगर पंजाब सरकार इसके बावजूद भी मंत्री साहब का इस्तीफा नहीं लेती है, तो विद्यार्थी परिषद पंजाब, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंजाब की ओर से 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को चंडीगढ़ में रोष प्रदर्शन किया जाएगा सरकार के खिलाफ। और जिला पठानकोट में भी विद्यार्थी परिषद की ओर से, नगर सुजानपुर को साथ में लेकर विद्यार्थी परिषद की ओर से जो है वो पठानकोट में एक जो रोष प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ जरूर किया जाएगा। मैं अपने दलित भाइयों को कहता हूं, जो मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे सहपाठी हैं, मैं उन सबसे आग्रह करता हूं कि आप इस बारे में जरूर पूछिए, क्योंकि ये आपका हक है। सरकार आपको देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देती है, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से जो जो घोटाला किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशराइज होगा, पढ़ने में समस्या आ रही है उनको, कहीं ना कहीं ये जो आप रकम है मिली भगत के साथ निजी स्कूलों को दे रहे हैं, निजी संस्थानों को दे रहे हैं, लेकिन जो जिस पे जिनका हक है इस पे उनको नहीं मिल पा रहा है। कि क्लीन चिट देने का मतलब ही नहीं बनता है जब एक टीम गठित की जाती है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हमारे सरोज जी हैं उनका तबादला कर दिया जाता है। इस तबादले से कांग्रेस सरकार क्या साबित करना चाहती है, जब आपको पता है कि ये टीम गठित हुई है, जब इसकी रिपोर्ट सामने लाइए, आप रिपोर्ट सामने लाइए फिर बताइए कि क्लीन चिट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आपने अपने मिली भगत से अपने कैबिनेट मिनिस्टर को बचाने के लिए इतना बड़ा घोटाला छुपा कर रखा, और उसके बाद अगर वो सामने आता है तो फिर आप अपने कैबिनेट मिनिस्टर को बचाने के लिए एक क्लीन चिट देकर उनको बरी कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक हमें रोष है, विद्यार्थी परिषद में रोष है इस बात का। अखिल, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विद्यार्थियों के हित में लगातार संभव प्रयास किया जाता है। अगर पंजाब सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है, हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जगह जगह हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं विद्यार्थी परिषद की ओर से, अभी भी अगर पंजाब सरकार सोई हुई नींद से नहीं जागती है, तो कहीं ना कहीं हमें रोष प्रदर्शन करना होगा, सड़कों पे आना होगा, फिर जो है वो सरकार के सोई हुई नींद से जगाने के लिए ये संभव प्रयास जरूर करना होगा हमें। Once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway.